टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शिमला पार्क के ढोले एम्पायर में रहने वाले 18 साल के अनस शेख ने एमएमए में मिक्स मार्शल आर्ट में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल चैंपियन बेल्ट हासिल कर मुंब्रा कौसा का नाम रोशन किया है। मुंब्रा के शादी महल गली में कॉम्बैट फिटनेस सेंटर में अनस शेख करीब एक साल से ट्रेनिंग ले रहे थे और इस ट्रेनिंग लेने के दौरान महज 18 साल की उम्र में ही ये नेशनल लेवल पर पहुंच गए। मास्टर सोहेल खान ने बताया कि अनस शेख ने जिस तरह से एमएमए मिक्स आर्ट मार्शल में प्रदर्शन किया ये बड़े ही गर्व की बात है। महज 18 साल की उम्र में ही ये नेशनल लेवल पर पहुँच गए और गोल्ड मेडल सहित चैंपियन बेल्ट भी हासिल किया है। अनस ने मुंब्रा कौसा के तमाम नौजवानों से भी आग्रह किया है कि वो खेल के तरफ ध्यान दें और साथ ही अनस ने उम्मीद ये भी जताई है कि वो आगे इंटरनेशनल लेवल पर भी मेडल हासिल करने की कोशिश करेंगे। नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल और चैंपियन बेल्ट हासिल करने पर अनस शेख और मास्टर सुहेल खान ने क्या कुछ कहा है सुनिए। अनस शेख, एमएमए में जो है आप नेशनल लेवल पर जो है गोल्ड मेडल और ये बेल्ट जीत कर लाए हैं, तो क्या कहेंगे इस मौके पर? जी, ये तो अभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ एक साल से, तो एक साल में मुझे इतना कुछ माशाल्लाह से अचीव हो चुका है, तो मुझे ये मेरे लिए एकदम नई फीलिंग है, एकदम न्यू हूँ मैं सब चीज़ के लिए। मुझे दिल से बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे सर के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उनकी मेहनत मेरे पे, उन्होंने मेरे पे मेहनत भी की बहुत, उन्होंने ट्रेन किया मुझे, अपने डेडिकेशन एफर्ट्स डाले अपने, तो ये सोच कर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे मॉम डैड सब मेरी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे इस खेल में आपने जैसे और भी टीम खिलाड़ियों को पीछे किया और इस मुकाम तक पहुँचे, जैसे आपने कहा कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो ऐसे में इस खेल प्रतिभा में इस तरह से इस मिक्स मार्शल आर्ट में आपने मेडल भी जीता, बेल्ट भी लाए, तो ऐसे में मुंब्रा शहर के लोगों के लिए और ख़ास तौर पर जो नौजवान लोग हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो आजकल मैं देखता हूँ अपने आसपास के, थोड़ा सा लोग दूसरी जगह भटक चुके हैं, अपने कौम के लोग जो अपने दूसरी जगह भटक चुके हैं, तो मैं यही चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स की तरफ अपना ध्यान ले गया है, ना कि दूसरी जो फालतू चीज़ें जो वेस्टेज है वो सब टाइम वेस्ट है, ना कि उसकी जगह अपना स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान लगाएंगे आपको बहुत कुछ अचीव होगा इंशाल्लाह। बहुत सोहेल सर, आपके स्टूडेंट नेशनल लेवल पर जीत कर आए हैं, क्या लग रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ने नेशनल लेवल जाके ये सब इतनी बड़ी चीज़ अचीव की है, क्योंकि वहाँ पर 12 स्टेट्स के लोग आए थे, 12 स्टेट से सब कैटेगरी से लोग आए थे, तो उसमें से हम लोग ने 4 स्टेट्स को बाहर करके, जैसे आसाम हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, उसको बाहर करके ये अचीव करना हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हम लोग ये चीज़ के लिए हम लोग एक साल से मेहनत कर रहे थे कि हाँ हम लोग को कुछ बड़ी चीज़ अचीव हो जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने मेहनत करके एक साल में बहुत अच्छा काम किया और उसके फैमिलीज, हम लोग के क्लासेस वाले सब बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ास तौर पर आपका ये जो मार्शल आर्ट जो सिखा रहे हैं आप, यहाँ पर कितने बच्चों को आप सिखा रहे हैं और कितने नौजवान हैं? यहाँ पर मार्शल आर्ट्स का हम लोग का एक क्राइटेरिया है कि यहाँ पर मार्शल आर्ट्स है नो एज लिमिट, तो यहाँ पर 5 साल से लेके 50 साल से लोग आते, जिसमें कराटे, किक बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, एमएमए, जुजुत्सु, रेसलिंग सब होता है, तो सब एज कैटेगरी वाइज हम लोग ने यहाँ पर बैचेस रखे, तो वो हिसाब से हम लोग हर बैचेस को हैंडल करते, कराटे का बैच अलग, एमएमए का बैच अलग, तो यहाँ पर 5 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक लोग आते। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पर जीत के हमको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम लोग ये चीज़ को आगे इंटरनेशनल लेवल भी लेके जाना चाहते हैं और हम लोग ये चीज़ के पीछे मेहनत करेंगे, और भी यहाँ पर स्टूडेंट्स है जो मेरे अपना ये चीज़ अचीव कर सकते हैं और हम लोग आगे बहुत मेहनत करेंगे, और मैं इसके पर बहुत प्राउड हूँ कि इसने ये एज में 18 ईयर्स में इसने ये चीज़ अचीव कर लिया जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, और हम लोग ने ये चीज़ हासिल कर लिया।